कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए जा रही होती है। दरअसल स्टीव ने उसे वहां ले जाकर प्रपोज करने का प्लान बनाया होता है, इसीलिए उसने अभी तक ये बात उसे नहीं बताई थी। और वो इस स्पेशल चीज के लिए ईडन लेक नाम की जगह पर जा रहे होते हैं। अब वहां पर जाते हुए इन्हें रात हो जाती है, इसलिए आज रात ये यहीं के एक टाउन में बिताने का डिसाइड करते हैं। अगली सुबह ये दोनों फिर से अपनी डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं। अब कुछ जंगल के रास्ते सफर करने के बाद फाइनली ये लोग ईडन लेक पहुंच जाते हैं। तभी जेनी को वहां पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम एडम था, और वो कुछ इंसेक्ट्स को इकट्ठा कर रहा था। फिर जेनी उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देता। ये देखकर वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं और लेक के पास आकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोकल बच्चे आकर एडम को परेशान कर रहे हैं और उसे धमकाकर वहां से भगा देते हैं। जेनी और स्टीव भी ये सब देख रहे होते हैं, पर वो उन्हें लोकल बच्चे समझकर इग्नोर कर देते हैं और अपना डे एंजॉय करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद जेनी को नींद आने लगती है, पर तभी अचानक एक डॉग आकर उस पर भौंकने लगता है, जिससे जेनी बहुत डर जाती है। तभी वो लड़के उस डॉग को आवाज लगाकर बुला लेते हैं, यानी कि वो डॉग उन्हीं का था। इसके बाद स्टीव स्विमिंग करने के लिए नदी में जाने लगता है, पर तभी वो डॉग फिर से आकर जेनी पर भौंकने लगता है। अब ये देखकर स्टीव को उन बच्चों पर काफी गुस्सा आता है। फिर वो बाहर निकलकर उन लड़कों को समझाने की कोशिश करता है, पर वो सभी उसकी एक नहीं सुनते और उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर स्टीव उन्हें कुछ नहीं बोलता और वापस आ जाता है। यहाँ ये सभी 6 दोस्त होते हैं, जिनमें से कोई भी एडल्ट यानी कि 18+ नहीं था, पर फिर भी ये सभी बच्चे काफी आवारा होते हैं। इनमें से एक ब्रैट नाम का लड़का इन सभी का लीडर होता है, और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम पेज था। अब जब स्टीव सो रहा होता है, तब जेनी नोटिस करती है कि वो लड़के उसे गंदी नजरों से देख रहे हैं। ये देखकर जेनी अपने बदन को ढक लेती है और उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है। अब कुछ देर बाद ये सभी बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाते हुए भी वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर बाद अब शाम होने वाली थी, इसलिए स्टीव वहीं पर अपना टेंट लगा देता है। अब रात में ये सभी वहाँ एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, पर जेनी को लगता है कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है, पर स्टीव उसे शांत कराता है, जिसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अब सुबह होने पर जेनी देखती है कि उनका सारा खाना खराब हो चुका है, इसीलिए अब ब्रेकफास्ट करने के लिए ये लोग टाउन जाने का डिसाइड करते हैं। फिर जैसे ही स्टीव कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। फिर जब वो बाहर आकर देखता है, तो पाता है कि किसी ने उसके टायर के आगे कांच की बोतल रख दी थी, और ये शायद उन्हीं बच्चों का काम था। इसके बाद स्टीव गाड़ी के टायर को चेंज कर देता है, जिसके बाद ये ब्रेकफास्ट करने के लिए टाउन की ओर निकल जाते हैं। जब ये टाउन पहुँचते हैं, तो इन्हें वहाँ वही बच्चे दिखाई देते हैं। ये देखकर स्टीव उन बच्चों का पीछा करने लगता है, पर वो बच्चे उसके हाथ नहीं आते। इसके बाद ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर स्टीव वहाँ की ओनर से उन बच्चों के बारे में पूछता है, पर वो लेडी उन्हें कुछ बताने की बजाय उन पर ही गुस्सा करने लगती है। ये देखकर इन्हें काफी अजीब लगता है और ये वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में स्टीव को एक घर के बाहर उन्हीं बच्चों की साइकिल दिखती है, जिसके बाद वो गाड़ी रोक कर उस घर में जाने लगता है। अंदर जाने पर उसे कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से निकल कर वापस उस लेक पर आ जाते हैं। तभी जेनी देखती है कि उसका हैंड बैग वहाँ से गायब है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसमें उसका फोन और कुछ जरूरी सामान मौजूद था। फिर वो देखने के लिए अपने कार की ओर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि अब उनकी कार भी वहाँ से गायब है। ये देखकर ये दोनों काफी निराश हो जाते हैं और पैदल ही वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी कोई उनकी कार से उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि इनकी कार उन्हीं बच्चों ने चुराई थी, जिसे ब्रैट ड्राइव कर रहा था। अब स्टीव कुछ कर पाता इससे पहले ही वो उसकी कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब फिर से ये दोनों पैदल ही चलने लगते हैं। चलते हुए इन्हें अब रात हो जाती है। तभी स्टीव को फिर से उन बच्चों की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो उन्हें देखने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे वो बच्चे दिखाई देते हैं। फिर स्टीव उनसे अपनी बैग और कार वापस करने के लिए बोलता है, पर ब्रैट उससे रूडली व्यवहार करता है और कहता है कि हमें किसी कार और सामान के बारे में नहीं पता। ये सुनकर स्टीव उसकी जेब चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ब्रैट उसे पकड़ लेता है और रिकी उसे चाकू मारने आता है। अब इस बीच हाथापाई में वो चाकू उनके डॉग को लग जाता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर उन बच्चों को उन पर बहुत गुस्सा आता है, पर तभी स्टीव और जेनी कार की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर आने पर
उन्हें अपनी कार भी मिल जाती है, पर वो बच्चे भी उनका पीछा करने लगते हैं, जिससे जल्दबाजी के कारण उनकी कार एक जगह पर जाकर फंस जाती है। तभी वो बच्चे उसकी कार की विंडो तोड़ने लगते हैं, पर स्टीव किसी तरह वहाँ से अपनी कार निकाल लेता है और फुल स्पीड में चलाने लगता है। लेकिन कुछ दूर आकर उनकी कार एक गिरे हुए पेड़ से टकरा जाती है। हालांकि जेनी को इसमें चोट नहीं आती, पर स्टीव उसमें बुरी तरह से फंस जाता है और वो बच्चे अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। इसलिए स्टीव जेनी को मदद लाने के लिए भेजता है। अब जेनी के बाहर जाते ही वो बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए जेनी वहीं पर छिप जाती है और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। अब सुबह होने पर जेनी वापस से उस कार के पास जाती है, पर उसे स्टीव वहाँ पर कहीं नहीं दिखाई देता। तभी वहाँ उसे कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर वो उस खून का पीछा करने लगती है। तभी उसे वहाँ पर वो सभी बच्चे दिखाई देते हैं जिन्होंने स्टीव को बांधकर काफी टॉर्चर किया होता है, और ब्रैट अभी भी उसे टॉर्चर कर रहा था। तभी हैरी नाम का लड़का उसे ऐसा करने से मना करता है, पर ब्रैट उसे भी मारने की धमकी देता है। फिर वो उसके हाथ में चाकू देकर उसे स्टीव की बॉडी में घुसाने के लिए कहता है, जिससे अब अपनी जान बचाने के लिए हैरी को ऐसा करना ही पड़ता है। इसके बाद ब्रैट सभी से बारी बारी स्टीव को चाकू मारने के लिए कहता है, जिस पर सभी लड़के उसकी बात मानकर एक एक करके ब्रैट को चाकू मारने लगते हैं। जेनी अपने आंखों के सामने ये सब देख रही थी। इधर ये लड़के बारी बारी से स्टीव को बहुत टॉर्चर करते हैं। अब जेनी ये सब अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अपने फोन के ब्लूटूथ को ऑन करके स्टीव के फोन से कनेक्ट करती है और पुलिस को कॉल लगाती है। पर ब्रैट को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए ये सभी बच्चे मिलकर जेनी को ढूंढने लगते हैं। उन बच्चों के जाने के बाद स्टीव किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। इधर वो लड़के जेनी का पीछा कर रहे होते हैं, पर जेनी भी उन्हें चकमा देकर वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए जेनी को एक केबिन दिखाई देता है। फिर जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे केबिन के अंदर एक वॉकी टॉकी दिखाई देता है। वो जल्दबाजी में उसे लेने की कोशिश करती है, जिससे वो वॉकी टॉकी नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तभी वहाँ पर वो बच्चे भी आ जाते हैं, इसलिए जेनी वहीं पर जाकर छिप जाती है। तभी ब्रैट को उसके एक दोस्त का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि स्टीव भी यहाँ से भाग गया है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद ये सभी बच्चे स्टीव को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर स्टीव भागते हुए अपनी कार तक आ जाता है और फर्स्ट एड बॉक्स को लेने के लिए कार के गेट को ओपन करता है, पर गेट खुलते ही कार का अलार्म बजने लगता है, जिससे अब वो सभी बच्चे अलर्ट हो जाते हैं। ये देखकर स्टीव अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे सामने जेनी भी मिल जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सामने उन्हें एक पुराना केबिन दिखाई देता है। फिर जेनी स्टीव को वहाँ ले जाकर उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करती है, लेकिन अब स्टीव के जख्म काफी गहरे हो चुके थे और खून बहने की वजह से वो काफी कमजोर हो गया था। ये देखकर जेनी उसे स्ट्रेंथ देने की कोशिश करती है, और तभी उसका हाथ स्टीव के पॉकेट पर पड़ता है। फिर वो देखती है कि स्टीव ने अपने पास एक रिंग रखी थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ उसे प्रपोज करने आया था। ये देखकर जेनी काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अब स्टीव उसे प्रपोज नहीं कर पाया। जेनी को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी वो बाहर देखती है, जहाँ पर ब्रैट अपने दोस्तों के साथ अब वहाँ पर आ गया था। वो लड़के सीधे केबिन का गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और चेक करने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता, क्योंकि जेनी स्टीव को लेकर केबिन के नीचे छिपी हुई थी, जहाँ पर काफी सारा पानी था, जिसकी वजह से स्टीव वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, तब जेनी स्टीव को लेकर वहाँ से बाहर निकलती है और स्टीव की ये हालत देखकर कहीं से मदद लाने का डिसाइड करती है। फिर वो स्टीव को वहीं पर घासों से छुपा देती है और खुद मदद लेने के लिए जाती है, पर तभी भागते हुए उसके पैर में एक कील घुस जाता है, जिससे जेनी जोर से चीखती है। अब चीखने की आवाज सुनकर उन बच्चों को जेनी के बारे में पता चल जाता है और वो उसकी ओर आने लगते हैं। इधर जेनी किसी तरह खुद को संभाल कर वहीं पर छिप जाती है। वो अपने पैर से उस कील को निकालने की कोशिश करती है, पर वो उससे नहीं निकलता। ये देखकर जेनी उस कील को अपने पैर के आर पार कर देती है, जिससे वो कील निकल जाता है। तभी जेनी के पास वही एडम नाम का लड़का आ जाता है, जो उसे पहले इस जंगल में मिला था। जेनी एडम से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है, इस पर एडम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब कुछ दूर आने के बाद वो एक जगह पर रुक जाता है और अपने फोन में कुछ करने लगता है। ये देखकर जेनी उससे उसका फोन मांगती है, पर एडम इसके लिए उसे मना कर देता है, पर जेनी उससे उसका फोन छीन लेती है। तभी वो देखती है कि वो लड़के भी वहाँ पर आ गए हैं। दरअसल इन्हें एडम ने ही कॉल करके बुलाया था और वो भी इनसे मिला हुआ था। अब वो लड़के जेनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो लड़के जेनी को मारकर बेहोश कर देते हैं।
इसके बाद जब जेनी को होश आता है तब वो खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाती है जहाँ पर उन लड़कों ने उसके चारों तरफ लकड़ियाँ रखी होती हैं। फिर जब जेनी पीछे देखती है तो उसे वहाँ पर स्टीव दिखता है जो कि अब मर चुका था, यानी कि ये सभी लड़के इन्हें जलाने वाले थे। तभी एक लड़का उनके चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने लगता है और पेज अपना फोन निकालकर उनकी वीडियो बनाने लगती है। इसके बाद ब्रैट एडम को धमकाकर उन्हें जलाने के लिए कहता है। अब एडम भी उनसे काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो माचिस जलाकर स्टीव पर फेंक देता है जिससे स्टीव की बॉडी जेनी के सामने ही जलने लगती है। हालांकि जेनी उनसे अपनी जान की भीख मांग रही होती है पर उन लड़कों को ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था। तभी आग की वजह से जेनी की रस्सी भी जल जाती है और वो आजाद होकर वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर ब्रैट उसे धमकी देने लगता है और कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं एडम को जला दूंगा। ये सुनकर जेनी रुक जाती है पर तब तक ब्रैट एडम को भी जला देता है। अब ये देखकर जेनी वहाँ से भागने लगती है। अब कुछ दूर आने पर जेनी को वहाँ पर इस जंगल का मैप मिलता है। फिर वो उस कांच को तोड़कर उस मैप को निकाल लेती है पर तभी उसे वहाँ पर ब्रैट के आने का एहसास होता है, इसीलिए वो वहाँ पर पड़े एक गार्बेज के डिब्बे में जाकर छिप जाती है। उससे वहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आती है क्योंकि वो काफी पुराना था पर उसे अपनी जान बचाने के लिए ये करना ही पड़ता है। फिर उन सभी के जाने के बाद वो उस डिब्बे से बाहर निकलती है और उस कांच के टुकड़े से अपने लिए एक हथियार बना लेती है। पर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और जेनी बिना कुछ सोचे उसके गले में वो टुकड़ा घुसा देती है जिससे वो लड़का तड़प कर वहीं पर मारा जाता है। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है जहाँ उन बच्चों को अपने दोस्त की बॉडी भी मिल गई थी। यहाँ हैरी ये सब देखकर काफी डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है पर ब्रैट उसे यहाँ से जाने से मना करता है पर हैरी उसकी बात नहीं मानता। ये देखकर ब्रैट उस पर भी अटैक करके उसे मार डालता है। अब ये देखकर पेज भी काफी घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर जेनी किसी तरह भागकर हाईवे के पास पहुँच जाती है जहाँ पर उसे एक कार मिलती है और वो उससे मदद मांगती है, जिसके बाद कार ड्राइवर उसे अपनी कार में बैठा लेता है पर वो ड्राइवर उसे टाउन में ना ले जाकर उसी जंगल में ले जाने लगता है। इस पर वो जेनी को बताता है कि उसका भाई अभी जंगल में है और वो उसे ही ढूंढने यहाँ पर आया था। अब ना चाहते हुए भी जेनी को फिर से उस जंगल में जाना पड़ता है। फिर वो ड्राइवर अपने भाई को लेने जाता है, तभी मौका देखकर जेनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार मोड़कर वहाँ से भागने लगती है। तभी जाते हुए उसकी कार के सामने पेज आ जाती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कार की स्पीड दोगुना करके उस पर चढ़ा देती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर एक पार्टी वाली जगह पर पहुँच जाती है पर वो किसी से मदद मांगती इससे पहले ही वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को एक घर में पाती है जहाँ उसके पास एक औरत और उसका पति होता है। तभी जेनी को रियलाइज होता है कि ये तो ब्रैट का ही घर है। तभी उस औरत के फोन पर उसके बेटे ब्रैट का कॉल आता है जो उससे कहता है कि एक लड़की हमारे दोस्तों को जान से मारकर भाग गई है। अब उन लोगों के हाव भाव देखकर जेनी को समझ आ जाता है कि वो लोग उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाकर खुद को वहीं अंदर ही लॉक कर लेती है। तभी कुछ देर बाद वो लोग आकर उसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं पर जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है। तभी जेनी देखती है कि वहाँ पर ब्रैट भी खड़ा है। फिर ब्रैट का पिता उसे ऊपर जाने के लिए कहता है। हालांकि जेनी उन्हें सब सच बताने की कोशिश करती है पर वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे बाथरूम में लेकर जाते हैं और बाहर सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई दे रही थी। इधर हम देखते हैं कि ब्रैड पेज के फोन से उन सभी वीडियोस को डिलीट कर देता है जो उसने अपने गैंग के साथ मिलकर किए थे। फिर वो स्टीव के उन सनग्लासेस को पहनता है और शरीफ बनकर आईने में खुद को देखता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।